ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 8। प्रूव दैट 2 साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। हम पहले वही काम करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठा के लिख लेते हैं 2 साइन रेस्ट पावर 6 थीटा, 2 टाइम्स साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन रेस्ट पावर कोस थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये इन क्वेश्चन में यहां जाके बच्चे अटक जाते हैं। अब क्या करें, यहां हम क्या करते हैं, इस साइन रेस्ट पावर 6 थीटा को साइन स्क्वेयर थीटा एंड होल पावर 3 प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा एंड होल पावर 3, और ये हमारे पास एज इट इज रहता है। ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हम आइडेंटिटी जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब हम इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो हमारे पास ए का काम करेगा यहां पे साइन स्क्वेयर थीटा और बी का काम करेगा कोस स्क्वेयर थीटा। पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा और इनटू में आता है ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मीन्स साइन स्क्वेयर एंड होल पावर 2 प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स कोस स्क्वेयर थीटा एंड होल पावर 2 एंड माइनस ए बी, ए बी मीन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू को स्क्वेयर थीटा। ये तो हमने सिर्फ इसके प्लेस पे लिखा और ये हमारे पास एज इज बचता है। इसको हम लिख देते हैं यहां पे 3 टाइम्स साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। तो जैसे ही हमने यहां पे आइडेंटिटी लगाई तो हमारे पास क्या बच के आता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या बन जाता है हमारे पास 1। इसके प्लेस पे तो हम 1 लिख देते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और उसके साथ अंदर जो बचता है उसको हम ऐसे ही लिख के रखते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा एंड होल पावर 2 है तो हम इसको कंप्लीट क्या लिख लेते हैं, साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा एंड होल पावर 2, इट मींस कोस रेस टू द पावर 4 थीटा। और यहां हमारे पास ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, और ये माइनस 3 साइन थीटा ये हमारे पास एज इट इज रखा रहता है, माइनस 3 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बच के आता है, 2 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, और हम साथ साथ क्या करते हैं 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारे पास बच के आता है माइनस 3 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। यहां हमें दिखता है साइन रेस टू द पावर 4 थीटा और यहां भी साइन रेस टू पावर 4 थीटा। हम क्या करते हैं इनको पास पास लिख लेते हैं, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा। सिमिलरली 2 कोस रेस टू द पावर 4 थीटा और माइनस 3 कोस रेस टू द पावर 4 थीटा, इनको भी हम पास पास लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाता है यहां पे,
इसके बाद ये टर्म बची हमारे पास, इसको हम बाद में लिखते हैं, माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वन। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद अब हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन रेज टू द पावर फोर थीटा, वही हमारे पास यहां आता है माइनस कोस रेज टू द पावर फोर थीटा, और ये हमारे पास बचा पड़ा है पहले ही माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं, जो हमारे पास माइनस के टर्म है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर फोर थीटा, साइन रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, और इस वन को हम एज इट इज रखा रहने देते हैं यहां पे। तो हम अगर यहां पे देखते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं साइन स्क्वेयर थीटा एंड होल स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा टू द पावर टू प्लस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वन। यहां पे ध्यान से देखने पे क्या पता लगता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर बन जाता है, और जहां पे ए का काम कौन करता है साइन स्क्वेयर थीटा, और बी का काम कौन करता है कोस स्क्वेयर थीटा टू द पावर टू प्लस वन। अब जैसे ही हमने यहां पे ये लिखा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन। अब हमारे पास वन स्क्वेयर वन होता है प्लस वन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस वन प्लस वन एंड इज इक्वल टू जीरो, और वही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा फिर देखते हैं हम इसको, ये क्वेश्चन था प्रूफ दैट टू साइन रेस्ट पावर सिक्स थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर सिक्स थीटा माइनस थ्री साइन रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने एज इट इज लिखा, तो हमने सिक्स पावर को ऐसे ब्रेक कर लिया पावर टू एंड होल पावर थ्री, ये एज इट इज रखा रहा। तो यहां पे देखने से हमारे को क्या पता लगा कि हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन जाती है, तो हमने यहां पे लगा दिया। तो वो क्या होती है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, तो हमारे पास ये आ जाता है। फिर हमने देखा यहां पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन, जो हमने यहां पे वन लगा दिया। अब हमारे पास ये टू द पावर टू है तो हमने फोर बना दिया यहां पे ऐसे ही फोर, और ये हमारे पास रखा रहा एज इट इज, ये माइनस थ्री वाला एज इट इज है। तो हमने यहां पे क्या किया, इसकी टू से मल्टीप्लाई कर दी अंदर भी और यहां भी, जो हमारे पास बचता है। फिर हमने पावर फोर वालों को पास पास लिख दिया ऐसे ही कोस रेस्ट पावर फोर को, और ये स्क्वेयर स्क्वेयर यहां पे रखा। तो यहां पे ध्यान से हमने इसको जैसे सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या किया, इनमें से माइनस कॉमन लिया, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे ही ये बना तो हमने क्या लगा दिया वहां पे, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज किया, तो हमारे पास वन, और पूरा कैंसिल आउट करके हमारे पास आता है जीरो।